सिंगरौली जिले के मोरवा में शुक्रवार शाम बिजुल नदी में नहाने के दौरान डूबे अनिल साहू का शव सुबह गोताखोरों के द्वारा कई प्रयासों के बाद निकाला जा सका। गौरतलब है कि शुक्रवार शाम बिजुल नदी में अपने तीन दोस्तों के साथ नहाने गए अनिल साहू, पिता छोटेलाल साहू उम्र 19 वर्ष निवासी भूषा मोड़ सिंगरौली की डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद बिजुल बांध के पास भारी संख्या में ग्रामीण और अनिल के परिजन पहुंचे थे। कई बार प्रयास करने के बाद भी जब उसका शव नहीं मिला तो मोरवा पुलिस ने गोताखोरों की मदद ली। देर शाम तक गोताखोरों ने शव को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन विफल रहे, जिसके बाद शनिवार को फिर से सुबह प्रयास करने के दौरान बिजुल नदी में युवक का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव का पंचनामा कराते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पूछते हैं सर कि वो डूब के मरा। आपको जानकारी कैसे मिली? जानकारी हमको सर कोई फोन किया, मेरा भतीजा फोन किया, घर में पता किया, बातें थी हमको घर से फोन मारा, हमारे मोबाइल हरा गया, दूसरे दिन पहले मोबाइल हमारे पास नहीं है, दूसरे मोबाइल से फिर मालिक हमारे फोन किया, भेज बहुत जरूरी से काम। चार लोग आए थे नहाने यहाँ, अब चार लोग आए थे नहाने, पैसे मिले हुआ डूब के मरा, कोई मार दिया आपको नहीं मालूम के। एक सूचना मिला हमको कि ऐसे ऐसे बात हो गया, डूब के मर गया वहाँ बच्चा, आए हैं तो वहाँ लाश को जो नहीं मिला हमको, तो सुबह रात सुबह लाश मिला, यहाँ निकला करीब 7:30 निकला। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।